वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप लोग? हम लोग शाम को डिसाइड किया कि आज क्या करेंगे, तो सोचा बाहर आज कुछ लाइट फूड खाएंगे। हमारे यहाँ पे रिहाब में एक हॉट एंड स्पाइसी करके है रेस्टोरेंट, विच इज ग्रिल और कबाब्स और बेक पटेटोज और ये सब वैरायटीज हैं जो थोड़ा इंडियन टेस्ट में है। तो हम वहाँ पे आए हैं, हमारे साथ में अजलान है। लास्ट टाइम हम लोग 31st में भी आए थे, बट यहाँ बहुत बारिश हो रही थी तो वीडियो नहीं बना पाए थे, तो हम लोग ने सोचा कि आज आप लोगों को बताते हैं। तो अगर आप लोग जद्दा में रहते हो तो यहाँ पर आए और जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी इसके जो टिक्का है। और गाइस ये भी हम लोग बताएंगे हम लोग क्या ऑर्डर करेंगे, तो वो आपको बताते हैं। और अजलान कुछ बोलना चाहता है? और गाइस ये मेरा सरप्राइज था। ओके, तो अजलान को हम लोगों ने नहीं बताया था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो जस्ट ट्यूशन से आया तो हमने बताया कि कुछ सरप्राइज है, आज हम लोग बाहर जा रहे हैं। एंड मैंने और शबनम ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कहाँ जाना है। तो बस अब हम लोग पार्किंग में हैं और मूव करेंगे। ये मॉल का फेवरेट है, और ओके, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। सब अजलान और सरप्राइज, ये हमारा खाना आ गया है। ये क्या है फारूक, ये तुमने क्या ऑर्डर किया? ये बेक मील है ना? और गाइस हम लोग फ्रेंड्स हो गए थे। और ये मलाई टिक्का है, और ये पराठे हैं, और हरियाली टिक्का है, और ये पराठे, और ये है हरी चटनी। और गाइस हम लोग प्रैंक हो गए थे क्योंकि पिज्जा बॉक्स से दिखा था, और हम लोग पिज्जा ऑर्डर नहीं किए थे। तो अब हम ये खा रहे हैं मलाई टिक्का, ये बहुत ही जबरदस्त टेस्ट में है। हरियाली टिक्का, सॉरी जो वाइट दिख रहा है ना, इसलिए मैं बार बार समझ रही हूँ मलाई टिक्का। और इसकी जो हरी चटनी ना, वो तो बहुत ही जबरदस्त है। मेरा फेवरेट है। और ये चिकन विंग्स है, बहुत ही यमी लग रहा है ये भी। हरी चटनी बहुत अच्छी है, एकदम घर जैसे है। एक टेबल में चीज़ बोल है। ये ये वाला एक बार मंगाया था इसके हिसाब से। तो खाली जैसा है। पूरा चीज़ लोडेड है, चीज़ और चिकन। पिज़्ज़ा जैसा लग रहा है। और ये जो मैक्सिकन रैप है, ये तो इतना जबरदस्त है ना, बता नहीं सकती। रेस्टोरेंट तो ये बहुत छोटा सा है, बट बहुत ही टेस्टी खाना है यहाँ पर। पे हमारा ऑलमोस्ट डिनर खत्म होने आया है। हम लोग थके हैं खाते खाते, अब कुछ ज्यादा ही ऑर्डर हो गया था। थोड़ा ज्यादा ऑर्डर कर दिया। हम लोग को लगा था कि जल्दी से हो जाएगा, पर 1 आवर लग रहा है। यहाँ पे एफिल टावर है, देख लो एफिल टावर। वो है मिनिएचर एफिल टावर का। अजलान को बहुत मजा आया, अजलान का फेवरेट हो गया ये भी। ये पिज्जा नहीं, ये मैक्सिकन रैप खाना पड़ेगा। मैं 2 खाया, डैडी 1 खाया और मम्मा 1 खाई, नहीं 0 खाई। तो असलान और शबनम ने खाना खा लिया, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया, पेट दुख रहा है। असलान का पेट दर्द हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आके ट्राई करना, बहुत ज़बरदस्त खाना है, इंडिया की याद आ जाएगी।
तुम बोल रही हो लेकिन मैं वीडियो मेरा ही निकाल रहा हूँ क्योंकि टर्न करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो पॉज करके फिर से टर्न करना पड़ेगा। और खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा खाना। अच्छा है बट ओवरफुल खा लिया हम लोग। क्या हो गया? ओवरफुल खा लिया। ओवरफुल के ओवर लिमिट खा लिया। ओवरफुल मैं बोलता हूँ। सही बात है। तो ये यहाँ का मेन्यू है, आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या मिलता है। और ये है यहाँ रेस्टोरेंट का नाम, हॉट एंड स्पाइसी। तो आप लोग यहाँ आके ज़रूर ट्राई करें। तो खाना जैसे कि आप जानते हो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा वॉक कर ले। और ये अंदर बैक साइड में उधर एक छोटा सा मार्केट है। तो अगर आप मुंबई में मीरा रोड में रहते हो तो वहाँ पर जैसे रसाज में, रसाज थिएटर के आसपास जैसे मार्केट होते हैं ना, उसी टाइप का ये, वैसी पूरी फीलिंग आ रही थी, याद आ गई वहाँ की, मीरा रोड की। तो ये पूरा वैसे ही है अंदर, और अंदर कनेक्टेड डेन्यूब भी है, डेन्यूब सुपर मार्केट। तो ये जगह हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। अब तो हम सोच रहे कि हर दूसरे यहाँ पर आएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड हाँ फ्रेंड्स, मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।